ही। चलो फिलहाल जो बच्चे नहीं आए उनके लिए भी, बट अब सिर्फ संडे बेटा, संडे आपकी तो संडे हो पाएगी, बाकी की संडे हो भी नहीं पाएगी क्योंकि मंडे से हमें ज्वाइन करना है और संडे संडे मैं आया करूँगा। देखो आपकी हफ्ते में 3 क्लास होती है अकाउंट की, और मैं आपकी 2 क्लास फटाफट ले लिया करूँगा संडे के अंदर, 2 घंटे की, और बाकी ऑनलाइन तो डेली पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा। हाँ जी, तो आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 26 पर। 3 क्लास वैसे ही आपकी होती थी, 3 में से 2 क्लास आपको हो जाएंगी, बाकी 3 घंटे ऑनलाइन पढ़ेंगे पढ़ेंगे, आपके डाउट ऑफलाइन हो जाया करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 26 के मैं आपको एक एक पॉइंट कराकर जल्दी से खत्म कराता हूँ बेटा इस चैप्टर को। एक एक पॉइंट देखते हैं बेटा कौन सा आइटम कहाँ पर आएगा, मैं खुद बता रहा हूँ बेटा आज आपको, सिर्फ आपको सुनना है, PDF में भेज दूंगा आपके सारे क्वेश्चंस के करने हैं। करने के बाद एक तो बच्चे मैंने टाइम अलग भेजता हूँ, आज थोड़ा लेट है, मुझसे ज़्यादा लेट हो जाते हैं बेटा, मैं भी आधा घंटा लेट करता हूँ, इतना नहीं करता, पर कॉस्ट के आज भेज दूंगा बेटा, कॉस्ट के भेजूंगा इसके बाद भेज दूंगा, ठीक है ना। नोट्स मेरे पास दोनों बने हुए, बस भेजने भेजने रह जाते हैं। चलो जी एक एक करके बात करते हैं कौन सा आइटम कहाँ पर आएगा, कि जिसे जरा सा भी डाउट हो फटाक से मुझसे एकदम पूछ लेना, एक एक करके सारी बातें कर लेते हैं। प्लांट मशीनरी सबको पता है बैलेंस शीट में ही आती है, मैं आइटम बोल रहा हूँ आप मुझे बताते चलना जहाँ दिक्कत है। परचेज सबको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, फॉर्मेट सबको पता है, अब तो सिर्फ आइटम का पता लगाना कौन सा कहाँ जाएगा, कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है आप खुद करो। सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, डिस्काउंट अलाउड मेरे साथ साथ बोलते चलो खुद सोचो आपको कितना आता है डिस्काउंट अलाउड, मन मन में बोलना बेटा ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। बैंक चार्जेस भी कहाँ पर आएंगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। सन्ड्री डेटर्स हमारी एसेट्स होते हैं बच्चे, मैं थोड़ा पेंच पतला कर लेता हूँ, सन्ड्री एसेट्स हमारी क्या होती हैं बेटा, एसेट्स होते हैं। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, एडमिट सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट वाली साइड। वेजेस कहाँ पर आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, सबको पता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं वेजेस। फ्रेट इनवर्ड फ्रेट आउटवर्ड, मयंक बताएगा ये फ्रेट इन और फ्रेट वर्ड आउट कहाँ पर आते हैं बेटा, और फ्रेट आउटवर्ड कहाँ पर आएगा, है ना। शिवानी पाल नहीं, शिवानी बता रही बेटा फ्रेट आउट कहाँ पर आएगा, शिवानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेरी गुड। फ्रेट आउट कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, फ्रेट इन कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग में, जिसके आगे इनवर्ड लिखा होगा वो ट्रेडिंग, आउटवर्ड लिखा होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। एक एक करके बाकी से बात करेंगे। उसके बाद रेंट कहाँ पर आता है बेटा, सबको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में। एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर आता है, ये मुझे बताएगा भाई पंकज, पंकज एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर आता है, भाई आपको क्या करना है, ट्रेडिंग के खर्चे याद कर लो भाई, ट्रेडिंग में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग में आते हैं वेजेस, पावर, फ्यूल, कैरिज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, और बचा कुछ सब कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कहाँ पर आएगा भाई ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैश हमारी एसेट्स होती है, कैपिटल हमारी बैलेंस शीट में आएगी, सेल्स हमारी एसेट्स सॉरी ट्रेडिंग में आती है, परचेज रिटर्न परचेज से माइनस करोगे ट्रेडिंग में आएगा, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव कौन बच्चा बताएगा, खुद से बता दो चलो, डिस्काउंट रिसीव कहाँ पर आना चाहिए, कौन बताएगा भाई, कोई भी बता दो किस साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट वाली साइड में कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट, हाँ बाय वाली साइड में बेटा। लोन हमारी लायबिलिटी होता है, बैलेंस शीट में आएगा। सन्ड्री क्रेडिट बेटा कहाँ पर आएंगे, हमारी लायबिलिटी के अंदर आएंगे, तो लोन भी लायबिलिटी क्रेडिट भी लायबिलिटी है, सिंपल सा था ये चैप्टर का, मतलब ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। पहले लास्ट में हमेशा क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होता है, मैं आपको बताता हूँ आपकी मिस्टेक कहाँ कहाँ पर होती है, हमेशा आपकी मिस्टेक सिर्फ एक ही जगह पर होनी है, वो कहाँ पर होनी है कि आप जब भी क्वेश्चन करोगे बैलेंस शीट बनाते समय क्लोजिंग स्टॉक भूल जाओगे, बैलेंस शीट बनाते समय क्लोजिंग स्टॉक भूल जाओगे, लेकिन भूलना नहीं है बेटा आपको, ठीक है भाई। अब ये इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, वो भी मैं आपके पास भेजूंगा, लेकिन सॉल्यूशन नहीं भेजूंगा, क्वेश्चन ही भेजूंगा केवल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, चैप्टर कर देंगे खत्म। फर्नीचर एंड फिटिंग एसेट्स होती है बेटा, फर्नीचर फिटिंग क्या होती है, हमारी एसेट्स। मोटर व्हीकल्स हमारी मोटर है ना बेटा, अब खुद सोचो बेटा मोटर व्हीकल क्या होंगी, हमारी एसेट्स। बिल्डिंग क्या होंगी, हमारी एसेट्स। बैड डेप्ट क्या होंगे, बैड डेप्ट बताओ भाई, बैड डेप्ट क्या होंगे, पैसा डूब गया, प्रॉफिट एंड लॉस,
हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सन्डरी डेटर्स हमारी क्या होंगी भाई? एसेट्स। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स रिटर्न, सेल्स से माइनस करोगे ट्रेडिंग। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। कैश इन हैंड क्या होती है बेटा हमारी? एसेट्स होती है। अरे भाई रुक जा। इंश्योरेंस क्या होती है भाई हमारी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जनरल चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल, बैलेंस शीट। बिल पेबल, लाइबिलिटी होती है बेटा। बिल पेबल याद रखना, कुछ बच्चे से एसेट्स में लिख देते हैं या से खर्च मानते हैं, बिल पेबल है। बिल पेबल का मतलब बिलों का पेमेंट करना है, अभी किया नहीं है, करेंगे बेटा, यानी कि लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर, लाइबिलिटी होती है। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी होती है। परचेज का रिटर्न, परचेज का रिटर्न, सबको पता है जो परचेज था उसका रिटर्न किया, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कमीशन मैंने पहले ही बताया था बेटा, एक क्वेश्चन और भी आ चुका है ये। जब भी ऊपर आपके पास देखो क्रेडिट बैलेंस दे रखे हैं, यहाँ पर डेबिट बैलेंस दे रखे हैं, तो मैंने बताया था कभी भी क्रेडिट बैलेंस के अंदर हाँ कमीशन आ जाए, रेंट आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, लेकिन बाई साइड में लिखा हुआ जाए, मतलब क्रेडिट वाली साइड में लिखा हुआ जाए क्रेडिट बैलेंस के नाम से, तो हमेशा आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन साइड कौन सी होगी? क्रेडिट वाली साइड होगी। मतलब ये इनकम है, रिसीव कहलाता है बेटा ऑटोमेटिकली, ये क्या कहलाएगा? रिसीव, यानी कि आएगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन किस साइड में आएगा? क्रेडिट वाली साइड में आएगा, और आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा ऑटोमेटिकली खुद से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखो कितनी जल्दी जल्दी होने बेटा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर तीन थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी है, एक एक करके बात करते हैं। थोड़ी सी चीज़ें टिपिकल हैं बेटा, क्योंकि इसमें आपके पास GST भी है, ठीक। एक एक करके बात करते हैं इसमें कौन सा आइटम कहाँ पर आएगा। ड्रॉइंग्स सबको पता है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी के अंदर आती है, कैपिटल से माइनस। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आपके फेसबुक पर, सॉरी फेसबुक बोलते हैं, क्या कहते हैं उसे, यूट्यूब पर भी डाला था, जो कम्युनिटी पोस्ट होती है, कम्युनिटी पोस्ट कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ पर आता है, वहाँ बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब भी दिया था बेटा यूट्यूब पर। उसमें चार ऑप्शन थे और बहुत सारे बच्चों ने बेटा 90% बच्चों ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का आंसर गलत दिया था। और एक क्वेश्चन मैंने और बोला था बेटा, मैंने बेटा वहीं पर ये क्या बोलते हैं यूट्यूब पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें पूछा था ट्रेडिंग एक्सपेंस कहाँ पर आते हैं। ट्रेडिंग एक्सपेंस सिर्फ दो ही बच्चे थे जिनका आंसर करेक्ट था 18 में से, बाकी 16 बच्चों ने गलत आंसर दिया कि ट्रेडिंग एक्सपेंस कहाँ पर आते हैं। शिवानी बता पाएगी बेटा ट्रेडिंग एक्सपेंस कहाँ पर आते हैं? ट्रेडिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में अरे ट्रेडिंग एक्सपेंस है। हाँ बेटा पंकज तुम बताओ बेटा ट्रेडिंग एक्सपेंस कहाँ पर आएंगे? पंकज अभी तो बहुत बोल रहा था बेटा, ट्रेडिंग एक्सपेंस। विनीत ट्रेडिंग एक्सपेंस कहाँ पर आएंगे? विनीत भाटी तो आवाज़ बंदी रखता है अपनी। मयंक ट्रेडिंग एक्सपेंस कहाँ पर आएंगे बेटा? हाँ मयंक प्रॉफिट एंड लॉस में। और संगीता गुप्ता इसका मैं दिया गुप्ता बेटा कहाँ पर आएंगे? ये भी कम बोलती है, चलो वेरी गुड बेटा शिवानी पंकज और तीनों के तीनों बहुत बढ़िया बेटा। बट मुझे दुख ये हुआ कि वहाँ पर सबके आंसर गलत है, इसका मतलब तुम लोगों ने दिया नहीं भाई, तुम भी देते उसका आंसर। सब बच्चों ने उसका आंसर लिख रखा ट्रेडिंग एक्सपेंस कहाँ पर आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग एक्सपेंस कहाँ पर आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। कितने अच्छा तुमने नहीं दिया था, सिर्फ दो ही बच्चों का करेक्ट था कि ट्रेडिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते भैया, ट्रेडिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो बाकी सब बच्चों का क्या था? मामला गलत था। तुम्हारा मामला क्या था? सही था। अच्छा कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ये कहाँ पर आता है? कौन बच्चा बताएगा? सिर्फ हाथ उठाओ, हाथ क्या उठाओ, चलो बताए दो कौन बताएगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ पर आता है, जल्दी से बताओ कौन बच्चा बताएगा भाई। आज देखते हैं किसके अंदर, ड्राइंग्स में आता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, नहीं भाई साक्षी बताएगी। साक्षी कहाँ पर आता है बेटा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम? ऐसा बच्चा तो चाहिए था बेटा मुझे, बहुत बढ़िया। शिवानी हाँ बता बेटा, पंकज ड्राइंग से माइनस होता है बेवकूफ, ड्राइंग से थोड़ी माइनस होता है, हाँ ये ड्राइंग ही कहलाता है। लाइफ इंश्योरेंस बेटा, मालिक की लाइफ का इंश्योरेंस कराया आपने भाई, मालिक का पर्सनल खर्चा कहलाएगा फिर ये, और मालिक का पर्सनल खर्चा है
लाइफ इंश्योरेंस क्या हुआ, मालिक का पर्सनल खर्चे, और पर्सनल खर्चे कहाँ पर आते हैं, इसकी बैलेंस शीट में ड्राइंग मानी जाती है। तो जब बैलेंस शीट बनाओगे ना बेटा बैलेंस शीट, ठीक है, तो बैलेंस शीट में बनाते समय पर कैपिटल में से ड्राइंग भी घटाओगे और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी घटाओगे। बैलेंस शीट बनाते समय पर कैपिटल में से ड्राइंग और लाइफ इंश्योरेंस दोनों घटेंगे। तो अब कैपिटल में से हम घटाते हैं ना बेटा ड्राइंग प्लस क्या करते हैं नेट प्रॉफिट, तो ड्राइंग के साथ साथ दोनों चीज़ें घटानी है बेटा आपको, ठीक है भाई। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम समझ गए, बाकी तो हमें आता ही है। जनरल एक्सपेंस सबको पता है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्डिंग सबको पता है भाई, हमारी एसेट्स होती है। मशीनरी सबको पता है, हमारी एसेट्स होती है। स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट सॉरी। पावर कौन बच्चा बताएगा, पावर पावर कहाँ पर आती है बेटा, पावर कौन बच्चा बताएगा, पावर पावर कहाँ पर आती है, वेरी गुड, ट्रेडिंग में आती है बेटा। पावर एंड फ्यूल कहाँ पर आते हैं, ट्रेडिंग में लिख लेना, पावर एंड फ्यूल। इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉफिट लॉस, जबकि पावर ट्रेडिंग के अंदर बेटा। इंश्योरेंस सबको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। वेजेस सबको पता है, ट्रेडिंग में आएगा। मैं वो पूछूंगा जहां पर मुझे लग रहा है आपको नहीं आएगा। डेटर सबको पता है, एसेट्स में आएगा। क्रेडिटर सबको पता है, लायबिलिटी में आएगा। कैपिटल सबको पता है बच्चा, कैपिटल कैपिटल तो कैपिटल में आती, बैलेंस शीट के अंदर है ना। लोन लायबिलिटी में आएगा, सबको पता है। सेल्स ट्रेडिंग में आएगा, सबको पता है। परचेज ट्रेडिंग में आएगा, सबको पता है। मोटर कार हमारी एसेट्स होती है, सबको पता है। अब मैं क्या पूछूंगा आपसे, रिजर्व फंड है ना, आपको लग भी होगा सर पूछेंगे भी, रिजर्व फंड कौन बच्चा बताएगा, रिजर्व फंड कहाँ पर आता है, कोई भी बता दो बेटा, रिजर्व फंड कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट लॉस। और कोई बच्चा, प्रॉफिट लॉस, और कोई बच्चा, विचार सबके आने चाहिए, हो सकता है गलत हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आएगा कहाँ पर ये बताओ, रिजर्व फंड कहाँ पर आना चाहिए। और कोई बच्चा, बहुत अच्छे, गजब की बात है बेटा, सबका आंसर गलत है, लिख लो कॉपी के ऊपर, रिजर्व फंड आता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। कॉपी पर लिख लो कुछ, ये तो आइटम है, आप पूरा क्वेश्चन जब करोगे सब सही जाएगा आपके क्वेश्चन में, गलत नहीं जाएगा, एक दो पॉइंट आप मिस्टेक कर दोगे, जैसे ये पॉइंट था रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड कहाँ पर आता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी वाली साइड में। रिजर्व फंड कहाँ पर आता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी वाली साइड में। कहाँ पर आएगा रिजर्व फंड बताओ, बैलेंस शीट की लायबिलिटी वाली साइड में, लिख लो जल्दी से। कमीशन के आगे लिख रखा क्रेडिट, सब समझ गए होंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कमीशन और रेंटो यानी कोई भी एक्सपेंस है, खर्चा है ना, खर्चा, रेंट कमीशन वेजेस सॉरी रेंट कमीशन इंटरेस्ट, अगर ये खर्चा है, सैलरी खर्चा है, इन खर्च के अगर कभी भी क्रेडिट लिख दिया जाए तो उसका मतलब नहीं रिसीव मानते हैं। तो जो कमीशन है बेटा क्रेडिट, ये रिसीव कहलाएगा, आएगा कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन साइड कौन सी हो जाएगी बेटा इसकी, क्रेडिट वाली साइड, ठीक है, आएगा प्रॉफिट लॉस में, लेकिन साइड कौन सी होगी, क्रेडिट। कमीशन कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट वाली साइड में। कार एक्सपेंस, एक्सपेंस के नाम से पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, पीडीएफ में भेज दूंगा इसकी। बाकी मैंने बोला कि ये क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएंगे, टीएस ग्रेवाल, अब मैं टीएस ग्रेवाल करा रहा हूँ, कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा बेटा कौन सी बुक के, संदीप गर्ग के बेटा, ताकि दोनों बुक में से कोई भी आइटम ना छूट पाए बेटा आपसे, ठीक है। चैप्टर मैंने कहा बहुत ईजी है, बस आइटम पहचान करनी है। बिल पेबल सबको पता है, लाइबिलिटी है, कैश सबको पता है, एसेट्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कौन बच्चा बताएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पर आता है जल्दी से बताओ, लाइबिलिटी, बहुत बढ़िया बेटा, जी तेरा भगवान, तुम्हें लंबी उम्र, तुम्हारी जल्दी शादी कराए बेटा। चैरिटी, चैरिटी कहाँ पर आती है ये बताओ, चलो कौन बच्चा बताएगा भाई, चैरिटी, चैरिटी बेटा कहाँ पर आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट वाली साइड बेटा, है ना, क्योंकि चैरिटी क्या हुआ, हमारा खर्चा हुआ, और खर्चे कहाँ पर आते हैं भाई, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट वाली साइड में। उसके बाद क्या भाई, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट क्या होते हैं बेटा, हमारे खर्चे, और बैड डेब्ट भी कहाँ पर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट वाली साइड में। चैरिटी भी डेबिट में, बैड डेब्ट भी डेबिट में, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, कैश हमारी एसेट्स है, बिल पेबल हमारी लायबिलिटी है, कार एक्सपेंस सबको पता है, खर्चे होते हैं, कमीशन क्या क्रेडिट यानी कि वो रिसीव था। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, कंप्लीट आपको खुद से करने हैं, मैं बस जल्दी जल्दी ना आइटम को बता दूंगा आपको, है ना, ताकि चैप्टर को आज हम खत्म कर सकें। और उद्देश्य ये बेटा कि मंडे से बिल्कुल फ्रेश तरह से पढ़ेंगे और फ्रेश चैप्टर से पढ़ेंगे, तो मंडे तक मुझे चैप्टर खत्म करना है बेटा का ये, ठीक है। जो आपको आंसर नहीं आएंगे उसका मैं सॉल्यूशन आके बाद बता दूंगा। देखो छोटा सा मैं आपको इसमें वर्किंग नोट बता रहा हूँ बेटा आपको, देखो क्या है वर्किंग नोट, इसमें जीएसटी का खेल बताता हूँ बेटा मैं आपको, जीएसटी देखो, इसमें एक पर एक इनपुट जीएसटी दे रखा है और एक आउटपुट जीएसटी दे रखा है। अच्छा मेरा कैमरा बंद हो गया शायद, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करो भाई बच्चे, फिर
हाँ जी, तो बात किसी कर रहे थे बेटा जीएसटी की, जीएसटी देख लो बेटा ध्यान से, जीएसटी कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे आएगा। देखो आपके पास दे रखा है एक इनपुट जीएसटी और एक आपके पास दे रखा है आउटपुट जीएसटी, एक इनपुट है और एक आउटपुट है। तो मैं थोड़ा सा रिदम में नहीं बता रहा, बहुत सारी चीज़ में नहीं बता रहा, सिंपल सिंपल सी बातें बता रहा हूँ बेटा को नॉर्मली आपको। देखो जो एक तरह से आपके पास ये इनपुट जीएसटी होता है, बहुत इसके कॉन्सेप्ट को समझना बेटा। जो ये इनपुट जीएसटी होता है, इनपुट जीएसटी, ठीक है, ये हमारी एसेट्स होती है एक तरह से। इनपुट जीएसटी हमारी क्या होती है, एसेट्स। कॉपी पर लिख लो जल्दी से, इनपुट जीएसटी नॉर्मली हमारी एसेट्स है और आउटपुट जीएसटी हमारी क्या होती है बेटा, लायबिलिटी। क्या बताया मैंने आपको, इनपुट जीएसटी हमारी एसेट्स है और आउटपुट जीएसटी बेटा हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। इतनी बात आपको समझनी है, फिर से समझ गए, लेकिन ऐसे लिख नहीं देना, इसका आगे मेथड है, कभी सोचो बस यही है सब कुछ। इनपुट जीएसटी हमारी क्या होती है बेटा, इनपुट जीएसटी हमारी क्या है बेटा, एसेट्स। इनपुट जीएसटी नॉर्मली होता है जब मैं चीज़ों को खरीदता हूँ उस समय पर जो जीएसटी देना पड़ता है बेटा वो मेरी एसेट्स कहलाती है, और जब मैं चीज़ों को बेचता हूँ उस समय मुझे जीएसटी मिलता है वो हमारी लायबिलिटी होती है। इनपुट जीएसटी खरीदते समय पर लगता है और वो हमारी एसेट्स है, और आउटपुट बेचते समय पर लगता है, आउटपुट मीन्स बेच रहे हो, बेचते समय जीएसटी लगता है वो हमारी लायबिलिटी है। बट दोनों ही चीज़ें बैलेंस शीट में नहीं दिखानी, दोनों में क्या करना है, मैं क्या करूँगा, इनपुट वाले में से आउटपुट वाले को घटाऊँगा, इनपुट जीएसटी में से आउटपुट जीएसटी को घटाऊँगा बेटा मैं। और अगर इनपुट का बैलेंस बचकर आ गया, कौन सा बैलेंस बचा, इनपुट वाला, तो मैंने कहा इनपुट वाला क्या होता है, एसेट्स, एसेट वाली साइड में लिख दूंगा वो जीएसटी। अगर मैंने इनपुट में से आउटपुट घटाया, आउटपुट ज़्यादा था तो उसका जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ पर लिखा जाएगा, लायबिलिटी वाली साइड में। रिपीट, बैलेंस शीट में इनपुट आउटपुट को घटाकर तब लिखा जाता है। अगर इनपुट बचा रह गया ज़्यादा तो बैलेंस शीट की एसेट्स में लिख देना, और अगर आउटपुट बचा रह गया ज़्यादा तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख देना। और अगर दोनों बराबर आ गए, इनपुट माइनस आउटपुट दोनों बराबर आ गए, तो कहीं पर भी नहीं लिखा जाएगा। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी दे रखा है, दोनों को जोड़ लो, इनपुट वाला जीएसटी कितना हुआ, 30,000। अब आउटपुट वाला देखो, आउटपुट वाला कितना, आउटपुट आईजीएसटी, कोई दिक्कत नहीं, से इनपुट और सीजीएसटी आईजीएसटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है, बाकी अलग से एडजस्टमेंट करना मैं सिखाऊंगा। फिलहाल आपको सिर्फ इनपुट और आउटपुट को चेक करना है कि दोनों में से क्या बड़ा है। आपके इस क्वेश्चन में जब आपने इनपुट जीएसटी जोड़ा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी दोनों को जोड़ा, जोड़कर कितना आया, 30,000। एक सेकंड बेटा, बस आपकी बात भी करूंगा। और दोनों को बेटा आपने देखा आउटपुट भी कितना, वो भी 30,000 है, तो इनपुट में से आउटपुट घटा दो, बैलेंस कितना बचा, 0, तो बैलेंस शीट में कहीं पर भी नहीं आएगा बेटा ये। हाँ अब बोलो बेटा क्या कह रहे थे। बोलो कुछ कह रहे थे क्या बेटा पंकज? हाँ बोलो। हाँ, नहीं माइनस तो घटाना तो है हमेशा, बट ये देखना कि बच कौन सा रहा है, मतलब कौन सा बड़ा है। हमेशा बड़े में छोटा घटाते हैं। अगर आउटपुट वाला बड़ा बचा, आउटपुट वाला बड़ा था तो जो बचा हुआ आएगा, बचा हुआ घटाने के बाद जो आएगा, अगर आउटपुट वाला बड़ा था तो घटाने के बाद जो आएगा वो कहाँ पर लिखोगे, लाइबिलिटी में। अगर इनपुट वाला बड़ा था तो घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ पर लिखोगे, एसेट्स में। बस ये देखना कि कौन सा बैलेंस बचा हुआ रहा है, एंड में क्या बच रहा है, आउटपुट वाला बचा रह गया कि इनपुट वाला बचा रह गया, है ना, जो बड़ा होता है वो बचता है हमेशा, है ना। जैसे सोचो बेटा आउटपुट जीएसटी 80,000 है, इनपुट वाला जीएसटी केवल 50,000 है, तो आउटपुट का 30,000 बचा रह गया, वो आउटपुट जीएसटी है, लायबिलिटी में आएगा कितना, 30,000 रुपये। कहाँ पर आएगा वो, लायबिलिटी में आएगा कितना, 30,000 रुपये। और अगर ऐसा होता इनपुट जीएसटी 80,000, आउटपुट जीएसटी केवल 30,000, तो इनपुट में से आउटपुट घटा देते, इनपुट 80,000, आउटपुट 50,000, तो 30,000 कौन सा बचा रह गया, इनपुट। और अगर इनपुट वाला बचेगा तो कहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस शीट में। और अगर दोनों ही बराबर आ जाएं, है ना, दोनों ही बराबर आ जाएं, तो वो कहाँ पर लिखोगे भाई, दोनों बराबर आ गए, कट गए, बैलेंस शीट में कहीं पर भी नहीं आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जीएसटी कहीं नहीं आएगा क्वेश्चन में, ना इनपुट के नाम से ना आउटपुट के नाम से, खत्म। 30 इनपुट है दोनों का टोटल, और आउटपुट कितना है बेटा, 30 है, तो कहीं पर बैलेंस शीट के अंदर ये नहीं आएगा। जीएसटी कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ में भी आ गया होगा, आया कि नहीं आया बेटा। और मान लो सिर्फ इनपुट इनपुट होता, आउटपुट होता ही ना, तो बैलेंस शीट की कहाँ पर लिख देते बेटा आप इसे, इनपुट इनपुट एसेट्स में। केवल आउटपुट आउटपुट होता, इनपुट ना होता, तो लायबिलिटी में। और अगर दोनों है तो पहले दोनों को घटाओ, फिर चेक करो कौन सा बच रहा है ना, दोनों को घटाओ और फिर चेक करो कौन सा बच रहा है। बात को समझ रहे हो बेटा इतनी मेरी,
क्लियर है बात सबके लिए? अब दोबारा बताने की आवश्यकता तो नहीं बेटा, दोबारा पूछो भाई मुझसे, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, पूछो भाई बच्चों। नहीं पूछ रहे, चलो ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में देखेंगे बेटा हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आइटम कहां पर आएगा, इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं बेटा बहुत जल्दी से। देखो मैंने फिर से कहा, भले आप ऑफलाइन अच्छा मानते हो, अच्छा खैर होता ही है, बाकी ऑनलाइन भी उससे अच्छा है, ज्यादा क्वेश्चन हो गए क्योंकि ऑफलाइन में खाली बैठ जाता हूँ, इसमें तो मैं करता रहता हूँ बेटा, मैं ही बोलता हूँ केवल, आप तो सुनते हो, आप तो इंजॉय करते हो यहाँ पर। बिल्डिंग एसेट्स होती है, वेजेस ट्रेडिंग के अंदर आएगा, बहुत बढ़िया। मशीनरी एसेट्स है, सैलरी एंड वेजेस एक साथ दे रखा है, सैलरी एंड वेजेस बेटा एक साथ है ये, सैलरी एंड वेजेस, इसके कौन बताएगा, देखता हूँ कौन बच्चा बता पाएगा, सैलरी वेजेस एक साथ है ये, हो सकता है गलत हो भाई। मयंक चौधरी, सैलरी एंड वेजेस एक साथ दे रखा, कहाँ पर लिखेंगे? पंकज, सैलरी वेजेस एक साथ है कहाँ पर? शिवानी पाल, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। अगर सैलरी वेजेस एक साथ दे रखा है, मैं फिर से कौन सा बता देता हूँ, अगर आगे वेजेस है, अगर आगे वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट, और आगे सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आगे वेजेस है तो ट्रेडिंग, आगे सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा, बहुत बढ़िया बेटा। काजल बेटा बहुत जल्दी आ गई भाई ये तो। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेटर सबको पता है हमारी एसेट्स होती हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल भी सबको पता है, परचेज सबको पता है बेटा ट्रेडिंग के अंदर आता है, सेल्स सबको पता है बेटा ट्रेडिंग के अंदर आता है, क्रेडिटर सबको पता है हमारी लाइबिलिटी होती है, इनकम टैक्स, फिर से बेटा वही प्रश्न है, मैं आपसे पूछूंगा इनकम टैक्स क्या होता है, कहाँ पर आता है, कौन बच्चा बताएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, और कोई बच्चा इनकम टैक्स कहाँ पर आएगा भाई बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस, और कोई किसी का आंसर इससे अलग हो तो बोल सकता है, अदरवाइज मैं ये मान लेता हूँ सबका आंसर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, ये मान लो बेटा, या कोई कुछ बहुत गज, माइक बेटा माइक ऑफ कर लो, तुम्हारी डांट पड़ रही है। बात है किसकी? इनकम टैक्स की बेटा, इनकम टैक्स याद रख लो, कॉपी पर लिखो जल्दी से, कॉपी पर लिखो, इनकम टैक्स इज अ लाइबिलिटी, सॉरी इनकम टैक्स इज अ ड्रॉइंग, इनकम टैक्स भी क्या होता है बेटा? ड्रॉइंग्स होती है, इनकम टैक्स मालिक का पर्सनल खर्चा माना जाता है, इनकम टैक्स, इनकम कंपनी की नहीं होती बेटा, कंपनी अलग से देती कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स नहीं देती, इनकम टैक्स देता मालिक, और ये मालिक का पर्सनल खर्चा, पर्सनल खर्चा तो ड्रॉइंग, तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे? कैपिटल में से माइनस करेंगे, कॉपी पर लिखो जल्दी से, इनकम टैक्स क्या होती है बेटा? ड्रॉइंग्स, ठीक है। और मैंने कल एक चीज क्या बताई थी आपको, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होती है? ड्रॉइंग्स। ये भी क्या है? इनकम टैक्स, ड्रॉइंग, क्योंकि ये मालिक का पर्सनल खर्चा है, कॉपी पर लिखो बेटा ड्रॉइंग्स, इनकम टैक्स को किसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। अब आप कहोगे कुछ बच्चे, सर ड्रॉइंग तो पहले से दे रखी है, अब क्या करें भाई? दोनों को जोड़ लो, 2500 लिख दो ड्रॉइंग, सीधे कितनी घटा दो? 2500 कैपिटल में से इकट्ठा लिख दो ड्रॉइंग्स 2500, ये अलग अलग घटा दो बेटा, कैपिटल माइनस इनकम टैक्स 2000 माइनस ड्रॉइंग 500, और चाहे सीधे ड्रॉइंग लिखकर 2500 रुपये घटा दो, खत्म करो, किससे खत्म करो, ठीक है भाई। कहाँ पर आएगी ड्रॉइंग्स? बैलेंस शीट के अंदर आएगी, इनकम टैक्स। जीएसटी का खेल बेटा मैंने अभी आपको बताया था, जीएसटी का खेल मैंने आपको अभी अभी बताया था, क्या खेल बेटा मैंने आपको बताया था कि हाँ सुनो बेटा ध्यान से, वेरी गुड बेटा, लाइब्रेटी में लिखे कितने? 5000, बाकी समझ लें, मैं फिर से जो बच्चा नया आया, काजल बेटा मैंने तुम थोड़ी लेट हो गए, पर कोई बात नहीं, आज की पूरी क्लास बेटा मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, आप इसे दोबारा से देख सकते हो, ठीक है, ये वाली क्लास मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा और सबके लिए लाइव रहेगी ये, बाकी मैं आगे तो खैर बंद कर दिया करूंगा, प्राइवेट करके डालूंगा, लेकिन आज मैं पूरी डाल दूंगा, ठीक है, आप चेक कर लेने एक बार फिर से, जीएसटी वाला केस फिर मैं बता रहा हूँ। जीएसटी कहाँ पर आता है? बैलेंस शीट में, बट बैलेंस शीट में कैसे निकालते हैं? इनपुट में से आउटपुट को घटाकर बैलेंस शीट में लिखना होता है, इनपुट में से आउटपुट घटाकर बैलेंस शीट में लिखते हैं, लेकिन अगर इनपुट वाला बड़ा आता है, इनपुट बड़ा आएगा तो कॉपी पर आपने लिख रखा होगा, इनपुट बड़ा आएगा तो कहाँ पर लिखेंगे भाई इसे? एसेट्स में, और अगर आउटपुट बड़ा आएगा तो कहाँ पर लिखेंगे? लाइबिलिटी में। तो यहाँ पर क्या बड़ा है? इनपुट क्या आउटपुट? आउटपुट बड़ा है भाई, और देखो दोनों के नाम भी दे रखे हैं यहाँ पर साफ साफ, अगर दोनों के नाम दे रखे हों तो एक में से एक घटा लो, मतलब कैसे? इनपुट सीजीएसटी भी है 10000,
और आउटपुट एसजीएसटी भी है, सीजीएसटी भी है, दोनों सीजीएसटी सीजीएसटी ना बेटा। इनपुट में से आउटपुट वाला घटा लो, इनपुट में से आउटपुट वाला घटाओ, क्योंकि आउटपुट वाला 2500 बड़ा है। अगर आउटपुट बढ़ाएगा तो कहाँ लिखा जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी के अंदर। तो जब बैलेंस शीट की लायबिलिटी बनाओगे तो लायबिलिटी में क्या लिख दोगे आप, आउटपुट सी जी एस टी 2500 रुपये। आपने इनपुट में से आउटपुट घटा दिया और आउटपुट बड़ा था इसलिए लायबिलिटी में लिख दिया। अगर इनपुट बड़ा होता तो कहाँ लिखते, एसेट्स में। वैसे ही इनपुट एस जी एस टी है और आउटपुट भी एस जी एस टी है, दोनों दोनों दे रखे हैं, इनपुट एस जी एस टी भी है, आउटपुट एस जी एस टी भी है। तो इनपुट सिर्फ 10,000 है और आउटपुट 12,500 है, आउटपुट वाला बड़ा है। तो फिर से लगा दो आउटपुट और नाम क्या लिख दो, एस जी एस टी भी ये वाला बड़ा है। कितना बड़ा है, 2500 रुपये बड़ा है। ठीक है भाई, दोनों के अलग अलग नाम दे रखे थे, दोनों का इनपुट भी था, दोनों का आउटपुट भी था बेटा, सी वाला भी और एस वाला भी। तो सी जी एस टी में से एस जी एस, सी जी एस टी में से सी जी एस टी घटा लो, एस में से एस वाला घटा लो और 2500 बच गया। और चाहो तो डायरेक्ट, अगर आप ऐसी दिक्कत मान रहे हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, दोनों के इनपुट को जोड़ लो, दोनों के आउटपुट को जोड़ लो और घटा दो, घटा कर जो पैसा लिखेगा बचेगा वो पैसा लिख दो। बस सिंपल लिख देना, आउटपुट वाला बड़ा था और बस जीएसटी लिख देना, आउटपुट जीएसटी 5,000, सी और एस मत लगाना, है ना। कोई पर कोई एक काम करना है, दोनों नहीं करना है। फिर से बता दूं, इनपुट में से आउटपुट घटाना है, अगर इनपुट बड़ा है, इनपुट बड़ा है तो एसेट्स में लिखना है, आउटपुट बड़ा है तो लायबिलिटी में लिखना है। इनपुट बड़ा है तो एसेट्स में लिखना है, आउटपुट बड़ा है तो लायबिलिटी में लिखना है। इनपुट में से आउटपुट घटाना है, लिखना कहां पर है, बैलेंस शीट में। ये प्रश्न बेटा आपका हो गया। और आगे बढ़ते हैं, मैंने क्या बोला था कि आज हमें पूरी पूरे सारे क्वेश्चन कर लेने हैं इसके, और लगभग लगभग सारे क्वेश्चन हो भी गए, कुछ बचा भी नहीं है। लेकिन भाई मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे अब बोलूंगा कि आप मुझे इसका ट्रेडिंग बनाकर दिखाओ। भाई देखो, आज हमने सारे क्वेश्चन कर लिए बेटा लगभग, इसके अलावा आपके चैप्टर में कुछ भी नहीं है, कल रिवीजन करेंगे, उसके बाद मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का ट्रेडिंग बनाकर दिखाओ, देखते हैं कितने बच्चों का ट्रेडिंग का आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा इसके अंदर। मैं इसका क्लोजिंग स्टॉक दिखा देता हूं बेटा आपको, क्लोजिंग स्टॉक भी देखो बेटा दो दे रखे हैं। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखोगे आप इसमें, 1,00,000 भी दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक और 85,500 भी दे, 88,500 भी दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक क्या लिखना चाहिए जरा बताओ, 88,500, जो भी दोनों में से छोटा होता है वो क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है। बहुत बढ़िया, तो जल्दी से आप मुझे इसका क्या बनाकर दिखाओ, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, 88,500 है इसका क्लोजिंग स्टॉक, मैं लिख देता हूँ, इसे बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। क्लोजिंग स्टॉक बेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 88,500। ट्रेडिंग का आंसर निकाल कर दिखाओ बेटा इसका, फिर मैच करेंगे आपके आंसर से मैच कर रहा है या मैच नहीं कर रहा है बेटा। श्री राम, हाँ जी बेटा बोलो। हाँ नहीं, इस टाइम नहीं, आज आज हुई है और कल भी शायद, मेरे कहा आज कल थोड़ी दिक्कत रहेगी टाइमिंग की, वही प्रॉब्लम है ना, मंडे से बिल्कुल फिक्स टाइमिंग है, 6 से 7 हुआ करेगी, 6 से 7 में। अच्छा 7 बजे से है ना, ओहो तो 5:30 से 6:30 कर देंगे फिर, ठीक है। हाँ 5:30 से 6:30 कर देंगे। ट्रेडिंग बनाओ, आंसर निकालो बेटा, आंसर मैंने छुपा रखा है, देखते हैं किसका आंसर आएगा, बोल कर ही बता देना चाहे। नहीं बेटा, क्वेश्चन ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है। अगर ओपनिंग स्टॉक ना तो घबराना मत बेटा, सिंपल चाहे तो लिख दो ओपनिंग स्टॉक नील, या ओपनिंग स्टॉक की लिखो ही मत, चक्कर ही खत्म करो, सिंपल क्लोजिंग लिख दो बस। अमाउंट नहीं दिख रहा है, अच्छा मैं साइड हो जाऊँ, अच्छा 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 अब सही कह रहे हो भाई।
इससे बड़ा भी नहीं रहा। चलो अठासी पांच सौ 88,500। ओपनिंग ऑर्डर में जीरो है, ओपनिंग दे नहीं रखा है ना, तो इसे नील लिख देना ओपनिंग स्टॉक के आगे, या ओपनिंग स्टॉक लिखना ही मत, या फिर जीरो लिख देना। हाँ बेटा 106,700। चलो बस 2 मिनट रुको, बाकी फिर मैं सबको दिखाता हूँ एक बार इसका आंसर। बस 2 मिनट और दे रहा हूँ बेटा मैं आपको, फिर 2 मिनट बाद मुझे बताना क्या रहा इसका आंसर। देख लो भाई अपने आंसर एक बार चेक कर लो भाई। वेरी गुड बेटा 106,700 बिल्कुल करेक्ट है बेटा। पर्चेज से स्टार्ट करना था इसे और इसमें कुछ लिखना नहीं था, ठीक है। मैं इसे जल्दी छिपा देता हूँ क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, देखने भरी बड़ा लग रहा हो। अब इसका जल्दी से बना कर दिखाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं इसका लिख देता हूँ, जिस ग्रॉस प्रॉफिट जिसका नहीं आया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था भाई इसका 106,700। जीपी 106,700 106,700। नेट प्रॉफिट का आंसर बताओ बेटा जल्दी से। वेरी गुड आपने एक तो बता ही दिया। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा ग्रॉस प्रॉफिट बाय वाली साइड और ग्रॉस लॉस होता तो टू वाली साइड में आता। सर क्वेश्चन ग्रुप में, हाँ बेटा मैं पूरा वो पीडीएफ भेज दूंगा बेटा, क्वेश्चन ग्रुप में आ जाइए, इसकी पीडीएफ भेज दूंगा बेटा। ठीक है बेटा। हाँ एक बार 6500 आंसर चेक कर लेते हैं भाई एक बार। आंसर आ रहा है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसका नहीं बना कुछ था ही नहीं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने के लिए, सिर्फ क्या था सैलरी एंड वेजेस और कुछ था ही नहीं बेटा। 106,700 लिखोगे सिर्फ सैलरी एंड वेजेस ही लिखना था बेटा इसके अंदर, और घटा दोगे तो 65,100 इसका क्या जाएगा
आंसर आ जाएगा। अब बारी है इसकी बैलेंस शीट की भी, 5 मिनट और आपके पास, बैलेंस शीट भी बनाए तो जब बनाए रहे हो तो लगे हाथ बैलेंस शीट भी खींच दो बेटा इसकी। मयंक बेटा अपना माइक ऑफ कर लो, फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा किस दिन। भाई बिल्डिंग लिखना है, मशीनरी लिखना है, डेट एसेट्स में कैप 2,14,700। चलो और 2 मिनट में वेट करते हैं, 2,14,700 में याद रखता हूँ तब तक। दो लाख 14,700 भाई बच्चों दिखा दो क्या आंसर कर रहे हो अभी कर रहे हो, चलो करो। चलो भाई दिखा दो बच्चों, चलो करो। चलो बस 1 सेकंड रुक गए, साक्षी कैसा आ गया बेटा तुमने, बेटा आप बुक बुक से देखकर नहीं बता दिया इतनी जल्दी, आंसर इतनी जल्दी कैसे बताया, बनाया भी है। अच्छा चलो तो भाई 3,03,200। हाँ बेटा हाँ ओके बेटा ओके, बस ये लास्ट मिनट है एक। अब भैया अपना आंसर मैच करा लो, आंसर है 3,03,200, 3,03,000 ठीक है भाई, 3,03,200 ठीक है। जो जीएसटी है वो कितना का, 2,500 करके लिख दो, या सीधा मैंने क्या बोला था जीएसटी पेबल लिख दो, हाँ जीएसटी पेबल बोलते हैं उसे, 5,000 रुपये आएगा कहाँ पर बेटा, ये भी लाइब्रेरी वाली साइड में। अच्छा मैं हटी आता हूँ सामने से, अब मैं अभी भी बोला था कि आपकी एक ही मिस्टेक होगी बेटा पेपर में भी, क्लोजिंग स्टॉक वाली। और आप ऐसी करो स्टार्टिंग में दो काम रट लो, पहले कैपिटल वाला काम करना है, फिर दूसरा क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, उसके बाद ही बाकी काम करना है। समझ बताइए, समझ लो स्टार्टिंग यहीं से है, ये गणेश जी की आरती है, स्टार्ट यहीं से होगा बेटा, उसके बाद बाकी काम, बाकी सबका मैच कर गया बेटा। जीएसटी वाला खेल समझ गए, अलग अलग से लिख सकते 2,500 रुपए, या मैंने बताया था टोटल इनपुट में से टोटल आउटपुट घटा दो,
इनपुट बचेगा तो वो लायबिलिटी में, अगर आउटपुट बचेगा सॉरी इनपुट बचेगा तो एसेट्स में और आउटपुट बचेगा तो लायबिलिटी में, 90% आउटपुट ही बचता है बेटा। बेचते ज़्यादा का तो ज़्यादा जीएसटी होता है बेचने वाला, और उसे जीएसटी पेबल के नाम से आप लिख दोगे या आउटपुट जीएसटी के नाम से भी लिख सकते हो बेटा, बस खत्म। तो आज की आपकी क्लास खत्म, कल लेंगे क्लास, कल भी से टाइम मैं बता दूंगा, मैंने कहा आज और कल में टाइम बदलेगा, कल भी थोड़ा सा मंडे से फिक्स टाइम रहेगा 5:30 से 6:30, बस वो कल, अभी मैं आज अकाउंट की कल इको के लूँगा, ठीक है, मंडे से बिल्कुल सेम रहेगी क्लास। हाँ बोलो, नहीं अकाउंट बेटा, पर हाँ इको की क्लास रात को लाइव है बेटा, इको की रात में लाइव क्लास है, पर मैं आज इनका पेपर हो अकाउंट का पेपर है, कोई बात नहीं, अकाउंट पुरानी आ रहा है ना फर्स्ट टर्म वाला, अरे फर्स्ट टर्म तो मैं रेडी है बेटा, फर्स्ट टर्म के चक्कर में कहाँ पड़ रहा है, ठीक है। चलो संडे तुम्हारी क्लास ले लेंगे, है ना, संडे आप मुझसे, संडे तो मैं आऊँगा यहाँ पर, संडे क्लास तो लूँगा, ठीक है, तो संडे आप मुझसे, हाँ हाँ हाँ, क्या बेटा, आज 8:15 से लूँगा बेटा, 8:15 से लूँगा, ठीक है, 8:15 से लाइव क्लास होगी इको वाली, ठीक है, चैप्टर होगा प्रोडक्शन, हाँ परसों ऑफलाइन पढ़ाऊंगा बेटा, 2 घंटे की क्लास, हाँ वो टाइम बताएंगे, ऐसे थोड़ी चुपचाप ले लूँगा, ठीक है, चलो चलो बेटा, है ना, अभी आप जा सकते हो, आराम करो बड़े मज़े से, जय हिंद या जय भारत जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, एक एक करके बेटा लीव कर जाओ ग्रुप को।